हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरा जो फाइनेंस वर्ल्ड है ये एक आइडिया पे बेस्ड पूरा अपना फंक्शन करता है। पूरे फाइनेंस के जो रिटर्न्स है उनको फेवरेबल या फिर पॉजिटिव बनाने के लिए एक आइडिया बहुत काम करती है। तो ये आइडिया बेसिकली जिसे कहा जाता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ब्याज के ऊपर ब्याज और मुद्दल के ऊपर भी ब्याज, तो वो दोनों को मिला के जो बनता है वो उससे रिलेटेड ये आइडिया है। तो एक्चुअली ये सिर्फ ब्याज के बारे में नहीं है, इंटरेस्ट के लिए नहीं है, तो ये शेयर मार्केट के लिए भी लागू है। जहाँ से आपको रिटर्न्स मिलते हैं, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जहाँ पे आपने पैसे डाले हुए हैं। तो हमें बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि रिटर्न पाने के लिए या फिर अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यू आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते पड़ते हैं और पूरी ज़िंदगी भर इन्वेस्ट करते रहो फिर जाके रिटर्न मिलता है। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये सारे जो थिंकिंग है इनको ब्रेक करता है और एक सेपरेट फंडामेंटल एस्टेब्लिश करता है इन्वेस्टिंग के बारे में, एक अलग राह देता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्टिंग के, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। और ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये एक्सेल शीट में थोड़ा डिफ़िकल्ट जा सकता है समझने के लिए, थोड़ा मैंने कैलकुलेशन से फॉर्मूले डाले, मगर इसके जो बेसिक थीम है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए तो काफ़ी है। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने उम्र के साल दिए। एक नॉर्मल पर्सन जो अपनी उम्र के 25 साल से कमाना शुरू कर देता है, तो वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है और ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे नंबर्स हैं। और फिर ये इनिशियल जो पर साल वो इन्वेस्टमेंट जमा करता है, जैसे कि एफडी में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या फिर प्रोविडेंट फंड में या फिर कोई म्यूचुअल फंड है जहाँ पे उसको रिटर्न मिलता है, डेट फंड एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का एक पर ईयर का जो मुद्दल मैंने पकड़ा हुआ है, और ये दूसरा पर्सन का कंपैरिजन है जो सेम चीज़ करता है मगर थोड़ा सा अलग तरीके से करता है, तो उसके बारे में कंपैरिजन है। तो ये दोनों में एक फ़र्क इतना है कि ये जो पहले के 10 साल है, ये पर्सन ए जो है उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उसने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किया है। वो 35 साल तक सोचता रहता है कि मैं बाद में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, बाद में पैसे बचा लूँगा, मुझे अभी क्या ज़रूरत है। जैसे कि हमारा कॉमन माइंडसेट होता है कि हम इनिशियल ईयर्स में जब कमाई करते हैं तो हम थोड़े से भी पैसे बचाने का ज़्यादा सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि बचत है, इन्वेस्टमेंट है, वो तो बुजुर्ग लोगों का काम है या फिर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए है, तो मैं तो बाद में कर लूँगा। तो ये वैसे टाइप का मेंटालिटी का या फिर थिंकिंग वाला आदमी का, पर्सन का एग्जांपल है। तो ये पहले 10 साल कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो ये दूसरा जो आदमी है ये पहले हर साल एक रेगुलर डिलीजेंटली इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि वो हर महीना 1000 रुपये निकालता है और साल के 12000 इन्वेस्टमेंट करता है, सपोज़ एक एफडी में या फिर 8% रिटर्न देने वाले डेट फंड में वो इन्वेस्ट करता है, तो हर साल उसके पैसे ऐसे जमा हो जाते हैं। तो राइट साइड में मैंने ये पूरे जमा हुए पैसे दिए। पहले साल 12000 जमा होते हैं, फिर दूसरे साल के 12000 मिलके 24000, फिर वो बढ़ते 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 यहाँ तक चले आते हैं। और साथ में ये जो अमाउंट है ये इंटरेस्ट रेट 8% का मैंने पकड़ के कैलकुलेट किया है। तो 12000 उसने एक साल के जमा किए, उसका इंटरेस्ट मिला के हो गए 12960 रुपये, प्लस दूसरे साल उसने 12000 उसमें मिला दिए साल के पूरे मिला के, तो 24960 हो गए। उसके ऊपर इंटरेस्ट 8% आ गया, 26957। ओके, तो ये 8% मैंने म्यूचुअल फंड का रिटर्न एक एवरेज आउट ऐसे पकड़ा है, ओवरऑल एवरेज टाइप। तो ये म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जहाँ से आप रेगुलर रिटर्न वगैरह कमा रहे हैं। तो एक बेसिक 8% रिटर्न मैंने पकड़ा हुआ। तो 10 साल के बाद उसके जमा हो गए 1,87,746, मतलब लगभग 2.25 लाख उसके जमा हो गए। और इस आदमी को जाग आ गई, ये रेडी हो गया इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। और उसने इन्वेस्टमेंट जो वर्किंग ईयर से उसके 11वें साल से शुरू किया, जब उसकी उम्र 35 साल थी, तो सेम तरीके से वो इन्वेस्ट करता गया। तो उसका सेम पैटर्न दोनों का इन्वेस्टमेंट का है, सेम इन्वेस्टमेंट टूल है। तो 12960 फिर ऐसे करते करते करते
ये भी इन्वेस्टमेंट करता रहा और इसने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट की, और ये जो दूसरा आदमी, इसने सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्टमेंट की और बाद में ये दूसरे चीज़ के लिए वो पैसे इस्तेमाल करने लग गया, फिर खर्चे करने लग गया। तो उसने किया क्या, जो भी इन्वेस्टमेंट था वो उसी फिक्स डिपॉजिट या फिर जो भी फंड है उसके अंदर रखा, जिसमें उसको कॉन्स्टेंट 8% 9% रिटर्न मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट या फिर रिटर्न जो आया है उसके ऊपर भी रिटर्न लेता रहा। तो ये इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं रही 1,87,000, और ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहा मगर उम्र के 35 साल से। तो अब ये दोनों के केस में फ़र्क क्या है कि ये आदमी ने उम्र के 35 साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, सेम इन्वेस्टमेंट पहले वाले आदमी जितना, और कंटिन्यू उम्र के 60 साल तक जब वो रिटायर हो रहा है तब उसने इन्वेस्टमेंट करना बंद किया, या फिर उसका रिव्यू वहाँ पे हमने किया है। और दूसरे वाला जो आदमी है उसने उम्र के से पहले 10 साल तक जब वो कमाना शुरू करता है तो तब उसने इन्वेस्ट किया, और वही पैसा उसने उसी अकाउंट में इंटरेस्ट रेट या फिर रिटर्न जो भी हो जमा होने के लिए रखा, और इन्वेस्टमेंट रिकरिंग डिपॉजिट जैसे रिवाइज होता रहा। तो एक और शॉकिंग रिजल्ट जो एट द एंड हमें मिलता है वो ये है कि इस आदमी ने 25 साल तक इन्वेस्ट किया, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, मगर फिर भी इसको एट द एंड जब 60 साल का हो जाता है तो इसको रिटर्न मिलता है 10,36,000 के करीब। और ये जो दूसरा आदमी, इसने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, सिर्फ शुरुआत में इन्वेस्ट किया, और इसको रिटर्न मिलता है सेम इंटरेस्ट रेट पे 13,88,000, लगभग 14 लाख आप पकड़ सकते हैं। तो 10 लाख और 14 लाख में फ़र्क होता है लगभग 4 लाख का। तो ये जो फ़र्क है ये क्यों आता है, जबकि इसने ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट किया। इसके अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम अगर देखते हैं तो इसने 1,20,000 ही इन्वेस्ट किए पहले 10 साल तक, और इसने जो है लगभग उसके 2.5 गुना, मतलब 2 से 3 लाख के रेंज में पैसे इन्वेस्ट किए, फिर भी इसको रिटर्न एंड में मिलता है 13 लाख और इसको मिलता है 10 लाख। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आता है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आता है उसके ऊपर वापस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आता है उसके वजह से। इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है कि इस रिटर्न का रेट ऑफ रिटर्न हमने 8% कॉन्स्टेंट पकड़ा है, मगर जो इनिशियल अमाउंट है इनकी शुरू हुई जब इस उम्र के 35 साल ये रीच कर रहे हैं, तो इनिशियल अमाउंट इनकी इन्वेस्टमेंट की थी 12,960 रुपये पहले वाले पर्सन की, और दूसरे वाले पर्सन की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है और वापस रीइन्वेस्ट हो रहा है वो 1,87,000 थी। मतलब लगभग उससे 12 से 15 गुना ज़्यादा इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। बाद में उसने भले ही इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया मगर वो हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब 8% रेट इंटरेस्ट रेट मिलता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो लगभग इसके 1 साल के इन्वेस्टमेंट या फिर उससे भी ज़्यादा आने लग जाता है। तो वो एड अप होके और जो बेसिक इन्वेस्टमेंटेड इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ती जाती है और इसके रिटर्न फाइनली बढ़ जाते हैं। तो इससे हमें एक लर्निंग ये मिलता है कि कोई भी चीज़ जो इनिशियल जो रिटर्न दे रही है, जहाँ जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमारे डिपॉजिट्स है, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स है, इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा वैरी होता है, उसमें एवरेज इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मगर अगर सब कुछ हेल्दी रहा, लॉन्ग टर्म का हिसाब से पकड़ेंगे, इक्विटी के रिटर्न का एक आर्बिट्री 8 से 10% 12% भी पकड़ते हैं तो भी उसके रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें लर्निंग ये है कि आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करें। तो ये कंपाउंडिंग मैजिक तभी वर्क करता है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू होना चाहिए। ये जो दूसरा पर्सन है इसने समझदारी की बात ये की, जब ये 25 साल में या फिर 22 साल में जब भी आपको जॉब लगता है आपको इनकम शुरू हो जाती है, आपकी पॉकेट मनी हो या फिर कहीं से भी आपको अगर इन पैसे मिलते हैं तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनिशियल ईयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 10 साल के बाद भले आपके हर महीना 1,000 या फिर 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो 10 साल के बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट जमा हो जाएगी, और उसके ऊपर ब्याज आना या फिर रिटर्न आना शुरू हो जाएगा जिसके जो बेसिक बहुत हाई होगा। तो
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिस्टेक लोग करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत देर से शुरू करते हैं, उन्हें ये रेगुलर जो हर महीना 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, जैसी भी आपकी अर्निंग है, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो बोलते हैं कि 100 रुपये मैं बचा लूँगा तो उससे क्या होने वाला है, 500 रुपये, 1000 रुपये से क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा वो साल भर में 1200 रुपये या फिर 12000 रुपये बन जाएंगे, मेरी सैलरी तो 30000-40000 है, तो मेरी सैलरी बाद में 10 साल बाद बढ़ जाएगी, तब मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर लूँगा। मगर ये वो ये नहीं समझते कि जब आप 10 साल बाद 35 साल की उम्र में आ जाते हैं तो आपके अलग अलग खर्चे ऐड हो जाएंगे, आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके हेल्थ के खर्चे आ जाएंगे, आपके फैमिली के खर्चे आ जाएंगे, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उस टाइम के खर्चे भी ज़्यादा होंगे, तो आपके सैलरी में से सेम खर्चे होते रहेंगे और आपका सेविंग उतना ही कॉन्स्टेंट होता रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू कीजिए, जित 1 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 10 रुपये से कर सकते हैं, 1000 रुपये कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप जल्दी शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट में शुरू कर सकते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप रेगुलर कोई इंडेक्स फंड या फिर कोई पर्टिकुलर जेनेरिक म्यूचुअल फंड वगैरह बाय करते हैं, डेप्थ फंड एक्सेट्रा, तो आपका एसेट अच्छा खासा बेसिक ग्रोथ पे, ये कोई गारंटी नहीं देता म्यूचुअल फंड में वगैरह, मगर फिर भी एक बेसिक जो नेट वैल्यू है, एसेट वैल्यू, वो अक्यूमलेट होती जाएगी और आपके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि आपके ओवरऑल आपको करना क्या है, पहले 10 साल इन्वेस्ट करना है ये तरीके से, और बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना बंद भी कर देते हैं या फिर कोई बुरा इवेंट हो जाता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी डैमेज हो जाती है, आप अर्न जो अर्न किया वो इन्वेस्ट आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, फिर भी अगर आपने जो इनिशियल कॉर्पस जमा हुआ है उसको कंटिन्यू सेम इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, तो फिर भी उस आदमी को आप बीट कर सकते हैं जो आपके बाद इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो एक कंपैरिजन आप करेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टर्स हमेशा बेनिफिट उठा सकते हैं, और बाद में भी ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं, आप अगर 10 साल के बाद इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, तो जस्ट इमेजिन कि जो ये जो कॉर्पस है इसके कितने टाइम्स आप ग्रो कर सकते हैं। जस्ट अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए अगर डाल दूँ तो लगभग 2 से 3 गुना आप जो इनिशियल ये वाला कॉर्पस है उसके टाइम्स अर्न कर सकते हैं। और ये हो गया प्लस पॉइंट जिसे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, ये बिज़नेस में भी अप्लाई करता है। अगर आप अपना बिज़नेस बहुत देर से शुरू करते हैं तो सेम कैलकुलेशन, सपोज़ आपकी मार्केट वैल्यू उस टाइम सिर्फ 12,960 रुपये है, तो वो हिसाब से आपको 1,00,000 की मार्केट वैल्यू कॉन्स्टेंट ग्रोथ अगर बिज़नेस में पकड़ते हैं, और दूसरा अगर बिज़नेस आप इनिशियली जल्दी शुरू करते हैं या फिर आपका साइड बाय साइड कोई बिज़नेस चल रहा है और उसमें रेगुलर ग्रोथ हो रही है, तो जस्ट सेम कैलकुलेशन आपको हो जाएगा कि ये 14 गुना बढ़ेगा और ये बिज़नेस सिर्फ 10 गुना उस टाइम अचीव किया होगा, अगर आप 10 साल बाद कुछ करना बंद कर देते हैं फिर भी, और जो इन्वेस्ट कर ही रहा है कंटिन्यू तो उसका तो पूछिए मत, वो तो बहुत ज़्यादा रिटर्न अचीव कर लेगा। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। और एक ड्रॉबैक या फिर एक मिसकैलकुलेशन इस कैलकुलेशन में दिखाया जाता है, वो है कि इसके अंदर कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा जाता है, ऐसा एक गलत इसके अंदर सिखाया जाता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर कि आपको सिर्फ पहले 10 साल इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बंद कर देना है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि क्या हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट अगर बाद में कम हो जाता है या फिर अर्निंग रेट परसेंटेज यहाँ पे थ्रू आउट 8% पकड़ा है, तो अगर वो कम हो जाता है 5%, 6% ऐसा हो जाता है, तो जो आपका ओवरऑल रिटर्न है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग हमको यही सिखाता है कि आप इनिशियल और अर्ली इन्वेस्टमेंट करो। कोई हमें गारंटी नहीं दे सकता कि 10 साल बाद इंटरेस्ट रेट 8% ही होगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मगर कम भी तो हो सकता है, निगेटिव पॉसिबिलिटी लोग पकड़ते नहीं है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताते वक्त। तो दोनों का कंपैरिजन में अगर हम इंटरेस्ट रेट कम पकड़ते हैं तो, और इसके अमाउंट ज़रूरी नहीं कि वो 12,000 ही हर महीना इन्वेस्ट करेगा, बाद में उसके सेविंग्स बढ़ जाते हैं तो वो आदमी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है जो कि आपके ओवरऑल रिटर्न्स को बीट बूस्ट करता है।
तो ये एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोग क्रिएट करते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, तो वो एक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ओवरऑल निफ्टी के बारे में एक छोटा सा ओपिनियन, आज के मेरा ओपिनियन, मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल निफ्टी आज बहुत अच्छा खासा डाइव डाउन करके लगभग 1% तक गिर चुका था, मतलब 100 से 150 पॉइंट तक गिर चुका था, और अच्छा खासा 15-20 पॉइंट के सिर्फ डाउन के साथ बंद हुआ, तो अच्छी खासी रिकवरी थी। तो ओवरऑल मार्केट पे फियर थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, ओवरऑल बिजनेस रिस्क थोड़ा सा मार्केट में बढ़ गया है कि अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। फिर भी हमने जो लोअर चैनल है ओवरऑल निफ्टी के मूवमेंट का, तो वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, वो ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज लैब जैसे स्टॉक जो ऐसे टूट रहे हैं, जो लगभग 30% तक आज डाउन था मगर फिर भी उसने रिकवर कर दिया, तो वो एक फियर फैक्टर ओवरऑल क्रिएट हो रहा है। दूसरा फियर फैक्टर ये कि जो बड़े बड़े दिग्गज शेयर हैं जो निफ्टी को होल्ड करके रखते हैं, रिलायंस, HDFC, उनके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो वो एक्चुअली बहुत बड़ा कंसर्न है कि रिलायंस अगर जस्ट इमेजिन कि रिलायंस में 2% या फिर HDFC में 2% फॉल आता है, तो निफ्टी कहाँ से कहाँ जा सकता है। फिर भी आज रिलायंस ने रिकवर किया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करना ज़रूरी है। फिर भी मार्केट में एक ओवरऑल फियर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी तक वो फियर ने इतना ग्रिप नहीं पकड़ा है ऐसा मुझे लगता है, मगर फिर भी एक छुपी सी छुपा सा डर मार्केट में है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो रहा है मार्केट का। तो वो एक ओपिनियन मैंने निफ्टी पे दिया। तो ओवरऑल ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग और निफ्टी पे मैंने मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर किया। शेयर मार्केट फ्रेंड को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।